इसको किस पे फोकस करना है कि हम जो स्ट्राइक प्राइस सेल किए उस स्ट्राइक प्राइस तक मार्केट ना जाए। जैसे अभी हमको लगता है व्यू कि मार्केट अभी भी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हम मार्केट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि 48,500 ले लेते हैं, ठीक है, 48,500 तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। और ये 48,500 जो 150 का प्रीमियम है ये आउट द मनी में ही रह जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आउट द मनी में रह जाता है 16 तारीख तक, बैंक निफ्टी 48,500 के नीचे नहीं जाता है और ये आउट द मनी में रहता, तो ये 150 का जो प्रीमियम है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब 48,500 कहाँ पे है, 48,500 यहाँ पे है, यहाँ पे है ना, काफी नीचे है। हमको खाली देखना क्या कि मैं बैंक निफ्टी यहाँ तक ना आया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं कि हमको लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर ही जाएगा। अगर हम इस तरीका से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी नीचे गिरता भी है, अगर धीरे धीरे नीचे गिरता भी तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, तो 48,500 के नीचे का बैंक निफ्टी नहीं आता है तो ये आउट द मनी हो गया। तो इसका पूरा प्रीमियम का पैसा कौन ले गया, एक ऑप्शन सेलर्स ले गया। समझ में आ रहा है, हमको क्या देखना है कि मेरा जो ट्रेड है वो ट्रेड बस आउट द मनी में रह जाए। अगर आउट द मनी में रहा तो वो पूरा प्रीमियम का पैसा ऑप्शन सेलर्स ले जाएगा। समझ में आ